हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हफ्ते को 12 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने थे, तो 11 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी है और रे ऑप्टिक्स की जो स्टेज फर्स्ट है उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलो इसके बाद में अपन सेकेंड स्टेज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ध्यान से, रे ऑप्टिक्स स्टेज टू देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 4। ये अगर एक चित्र में एक दूसरे के समांतर के दो समतल दर्पण दिखाए गए हैं और उनके बीच में वस्तु रखी है, तब पहले 3 प्रतिबिंबों की दर्पण M2 से दूरी क्या हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ, M1, और ये आपके पास M2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी ये वाली जो दूरी, ये जो कितने देगी 5, टोटल 15, तो ये कितने देगी आपके पास है 10। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं M1, यहाँ पर अपन लिखते हैं M2, तो M1 की दूरी कितने देगी बताओ 10, M2 से दूरी कितना देगी 5। इसके बाद में इसके अंदर अपन 15 जोड़ देते हैं, 15 और 10 कितना देगा आपके पास है 25, 15 और 5 कितना देगा आपके पास है 20। फिर अपन इसके अंदर 15 जोड़ देते हैं, तो 20 और 15 कितना देगा आपके पास है 35, 25 और 15 कितना देगा आपके पास है 40। तो M2 के लिए पहला कहाँ पे बन रहा है 5 पे, दूसरा 25 पे, और तीसरा कहाँ पे बन रहा है 35 पे। तो 5, 25 और 35 थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। अभी चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन। देखो ध्यान से, 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण में फोकस से x1 दूरी पर वस्तु को रखा जाता है और प्रतिबिंब फोकस से x2 दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? भी कि अवतल दर्पण है, इसके अंदर ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फोकस हो जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो तो रखा हुआ है इस प्रकार से यहां पे, और जो इमेज है मान के चलेगा यहां पे बनती है। अब इस ऑब्जेक्ट की यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना देगी आपके पास x1, इसकी फोकस से जो दूरी है वो कितना देगी आपके पास x2 देगी। दूरियों का मापन अगर फोकस से किया जाए तो इस स्थिति में फोकस दूरी f बराबर कितना देगी आपके पास x1 इंटू x2 का रूट हो जाएगा। भी ये आपको ध्यान में रखना है, तो बात सुना भी, यदि फोकस है बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्रम से x1 तथा x2, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी f बराबर रूट ऑफ x1 इंटू x2 हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 13। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोनों से, एक बिंदु कण एक उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित है, यदि लेंस दाईं ओर नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है तब प्रतिबिंब। बात सुना भी, इस प्रकार से ये आपके पास है लेंस है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, ये फोकस है और इस फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी बताओ, इमेज बन जाएगी इसकी अनंत पर बन जाएगी, इधर की तरफ इमेज कहां पर बन जाएगी, अनंत पर बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये जो दर्पण है, ये जो लेंस है, इस लेंस को आप इधर की तरफ चला रहे हैं, तो इधर की तरफ यदि आप चलाओगे ना, तो बात सुना भी, आपका जो ऑब्जेक्ट है कहां पे भी एफ है, थोड़ी देर बाद में ध्यान से ये लेंस जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा तो फिर उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, अभी एफ से 2f पर आ जाएगा, और एफ से अगर 2f आएगा तो इमेज है वो भी कहाँ पर बन जाएगी, अभी 2f ही बन जाएगी। तो पहले तो आपकी जो इमेज है वो ध्यान से देखना, देखो इमेज है पहले तो चलती है इस प्रकार से इधर की तरफ चलती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो लेंस है, लेंस इस ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पर चला जाएगा, और बहुत ज़्यादा दूरी पर चला जाएगा तो इस स्थिति में इसकी जो इमेज है
वो लगभग कहाँ पर बन जाएगी भी, फोकस पर बन जाएगी, क्योंकि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए कहाँ पे हो जाएगा, अनंत पे हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इस फोकस पर बनेगी, और जैसे जैसे लेंस आगे चलेगा वैसे वैसे फोकस भी आगे चलेगा, और फोकस अगर आगे चलेगा तो इमेज है वो भी इसके साथ साथ में आगे चलेगी। तो फिर उसके बाद में जो इमेज है वो इस प्रकार से इधर की तरफ चलने लग जाएगी। तो पहले तो किधर की तरफ, बाईं तरफ, और फिर उसके बाद किधर की तरफ चलती है, दाईं तरफ चलती है भी। तो पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर गति करेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा भी, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे देवदान से। वायु का फुर्तनांक कितना है भी, 1.003। वायु स्तंभ की वह मोटाई जिसमें उसी मोटाई के निर्वात की तुलना में पीले प्रकाश की एक और तरंग दैर्ध्य होगी, निम्न में से क्या होगी, मतलब एक तरंग ज्यादा बनेगी भी। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो देखो ऐसा है कि एक तो निर्वात है, वायु का फुर्तनांक कितना हो जाएगा 1.003, तो ये तो वायु हो जाएगी, और ये आपके पास है निर्वात हो जाएगा, लंबाई इसकी भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, और इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। अब बात सुना भी, इसके अंदर जो तरंग दैर्ध्य है, जो भी तरंग जाएगी उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी बताओ, लेमडा हो जाएगी। और इसके अंदर जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है, लेमडा डैश हो जाएगी। तो इसके अंदर तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, लेमडा डैश हो जाएगी, और लेमडा डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, लेमडा बटे म्यू। तो लेमडा कितना देगा आपके पास है, 6,000 एंगस्ट्रॉम। अब दोदान से, अब यहाँ पर म्यू का मान है वो एक से बड़ा है, तो इस स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि लेमडा डेस व लेमडा से छोटा होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर इसकी तुलना में एक तरंग ज़्यादा बनने वाली, एक वेव अपने को ज़्यादा बनानी है भी, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे एक तरंग की लंबाई कितनी देगी भी, लेमडा। मान किस लेगा, इसके अंदर कितनी तरंगें बन रही है, एन, तो एन तरंगों की लंबाई कितनी हो जाएगी, एन लेमडा हो जाएगी। तो एन लेमडा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स हो जाएगा। अब यदि इसके अंदर एन तरंग बन रही है तो इसके अंदर एन प्लस वन तरंगें बनानी है, एक तरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेमडा डेस, तो एन प्लस वन की कितनी हो जाएगी आपके पास, एन प्लस वन इंटू लेमडा डेस। ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर देगा। तो इसको अपन बोलेंगे एन लेमडा बराबर, ये देखा आपके पास n प्लस वन लेमडा डेस, को अपन क्या बोल देंगे, लेमडा बटे म्यू बोल देंगे। तो यहाँ से लेमडा से अपन लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, म्यू n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, n प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर यदि अपन क्या करते हैं अभी, म्यू की वैल्यू फुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और n की वैल्यू अगर अपन इसके अंदर फुट कर देंगे n लेमडा के अंदर, तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है भी। तो करो इनको नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। चलिए बच्चों, 14वें के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 15-16 क्वेश्चन तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 16वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एक बार। 16वां क्वेश्चन देखो क्या करे, ये करे कि 21 सेंटीमीटर गहरे के एक बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाना चाहिए जिससे ऊपर से देखे जाने पर आधा भरा हुआ दिखाई दे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर यहाँ तक मान के इसलिए आपने पानी भर दिया, तो पानी भर दिया तो ये तो कितना हो जाएगा आपके पास, x, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास होता है 21 माइनस x हो जाएगा। बट इसका जो बॉटम है वो तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा ना, तो आधा भरा हुआ तभी दिखाई देगा जब खाली भाग, खाली भाग की लंबाई कितनी देगी 21 माइनस x हो जाएगी। और ये जो पानी से भरा हुआ भाग है इसका बॉटम अपने को कितनी गहराई पर दिखाई देगा, x बटे म्यू के बराबर दिखाई देगा। तो यहाँ से x को अपन क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और पानी के लिए म्यू बराबर कितना होता है भाई, 4/3 होता है, 4/3। तो माइनस एक्स इधर की तरफ जाकर के प्लस का एक्स बन जाएगा, फिर उसके बाद में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सोलहवें क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मोटाई टी वाले कांच के गुटके, म्यू कितना दे रखा है इसका, 1.5 दे रखा है, पर प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है कि अपवर्तन कोण कितना भी 60 डिग्री है। निर्वात में यदि प्रकाश की चाल सी है तब गुटके को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा। अब बात सुना भी, 17वां क्वेश्चन अपन यहां पे सोल्व करते हैं। देखो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी बिट्टी, प्रकाश की किरण इस प्रकार से यूं आपतित होती है, और ये वाला जो अपवर्तन कोण है ये कितना देगा आपके पास है 60 डिग्री। तो ये तो आपके पास है लंब हो गया, ये आपके पास है कर्ण हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, इसको अपन बोल देंगे एल बोल देंगे। तो अपन लिख सकते हैं साइन 60, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास में या कॉस 60 लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। कॉस 60 बराबर क्या होता है आपके पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा भाई इसका, आधार टी, कर्ण कितना देगा आपके पास एल, कॉस 60 कितना देगा आपके पास 1/2 देगा। तो यहां से आपके पास एल बराबर कितना देगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 2t हो जाएगा। अब बात सुना भाई, यहां पे प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो प्रकाश की चाल है वो कितनी हो जाएगी भाई, अपवर्तनांक कितना दे रहेगा इसका, 1.5 दे रखा है। तो यहां पे v बराबर कितना होता है आपके पास है c बटे म्यू, म्यू कितना होता है आपके पास है 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास है 2c बटे, ये हो जाएगा आपके पास है 3। तो समय अगर आपको निकालना है, टाइम, समय बराबर कितना होता है आपके पास है दूरी बटे चाल, दूरी कितना देगी आपके पास है 2t बटे चाल कितना देगा आपके पास है 2c बटे 3, 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3t बटे सी। तो 3t बटे सी आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा अभी। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना 42 डिग्री, पानी के लिए कितना 49 डिग्री है, पानी में डूबा हुआ प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण कितना हो जाएगा भाई। बात सुनो भाई, अगर अपन बात करते हैं कांच के लिए, कांच के लिए साइन थीटा बराबर कितना होता है आपके पास 1/μ, और म्यू कितना होता है आपके पास में, कांच के लिए कितना होता है 3/2, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2/3, 0.67। पानी के लिए बात करते हैं तो पानी के लिए साइन थीटा बराबर म्यू 1/μ 4/3, तो ये आपके पास है 3/4, यानी इसको अपन बोलेंगे 0.75, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे थीटा ग्लास वाटर। तो अपन बोल सकते हैं कि थीटा वाटर है वो ग्रेटर देन किससे होता है भी, थीटा ग्लास से। अब बात सुना भी, कांच के प्रिज्म को आपने किसके अंदर डुबो दिया, पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है ना। तो अब आपने कांच को रख दिया पानी में, तो एक बार अपन निकाल देते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/μ, किसका, म्यू किसका भी, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अपन जानते हैं कि म्यू जी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, यह होता आपके पास म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू, 3/2, 4/3, 9/8, तो ये बन जाएगा आपके पास 8/9 बन जाएगा। 8/9 कितना होता है अभी, ये होता है आपके पास लगभग 0.9 होता है, कितना होता है 0.9 होता है लगभग। तो यहाँ पर ये वाला जो थीटा है ये तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है,
तो अगर कांच को आपने पानी के अंदर रख दिया तो जो क्रांति कोण है ना वो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, मतलब एक के लिए कितना हो जाएगा 42 डिग्री, एक के लिए कितना हो जाएगा 49 डिग्री। तो 42 और 49 दोनों से अधिक हो जाएगा, तो 49 डिग्री से भी अधिक हो जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। अभी चलो करें इनको नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं देवदान से। 24वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि 30 डिग्री कोण वाले प्रिज्म की अपवर्तक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, इसका कोण कितना है अभी 30 डिग्री। ये प्रिज्म है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसकी इस वाली सतह पर क्या कर देते हैं अपन, इस प्रकार से पॉलिश कर देते हैं। 60 डिग्री के कोण पर आपतित किरण अपने मार्ग पर वापस लौट आती है, तो यहां पर ध्यान से देखना, देखो ये अभिलंब बना दो इस प्रकार से, यूं 60 डिग्री पर आपने इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण को आपतित करवाया है, ये यहां पर इस प्रकार से यूं आपतित होती है और अभिलंबवत टकराती है, इस कारण से वापस लौट आती है। ये वाला एंगल कितना देगा 60 डिग्री, तो ये कितना देगा आपके पास आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना देगा 30 हो जाएगा, ये कितना देगा 90 हो जाएगा, ये कितना देगा 60 हो जाएगा, तो आर भी कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री। अपवर्तन कितना देगा म्यू देगा, तो बार का अपवर्तन कितना देगा 1 × sin 60 कितना था आपके पास √3/2 बराबर म्यू × sin r, आर कितना देगा 30 डिग्री, तो 1/2 देगा। तो सॉल्व करने पर आपके पास म्यू बराबर कितना देगा √3 हो जाएगा अभी, ठीक है। 24वां क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 27वां। सत्ताईसवां क्या कह रहा है, अभी नदी के किनारे एक आम का पेड़ लगा है जिसकी एक शाखा नदी के ऊपर है, नदी के अंदर एक कछुआ जो कि जल के अंदर है तैर रहा है, आम है वो G-त्वरण से नीचे की तरफ गिरता है, तो कछुए के सापेक्ष आम का त्वरण होगा। बात सुनो भाई, पानी के अंदर तो कछुआ है, ये तो देगा आपका ऑब्जर्वर, यहां से इस प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये जो आम है ये आम गिरता है, आम नीचे की तरफ गिर रहा है, आम का नीचे की तरफ गिरने का त्वरण कितना देगा आपके पास है जी। अब यहां पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो किसके अंदर है, पानी के अंदर है, हवा में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो अपन जानते हैं कि एफरेंट हाइट बराबर क्या होता है आपके पास म्यू इंटू रियल हाइट। दो बार अवकलन कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा d²Ha/dt बराबर म्यू इंटू क्या देगा आपके पास d²Hr/dt। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं एक्सलरेशन, कौन सा एफरेंट आभासी बराबर म्यू टाइम्स ऑफ रियल एक्सलरेशन, तो म्यू कितना हो जाएगा आपके पास है 4/3 और रियल एक्सलरेशन इसका कितना होता है जी होता है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4g/3 आ जाएगा अभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर, देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लिमिटेड क्वेश्चन ही कर पाएंगे अपन, तो 33वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि फोकस दूरी एफ वाले कांच म्यू बराबर कितना हो जाएगा 3/2 को समान उपयुक्त लेंसों को संपर्क में रखा गया है, दोनों लेंसों के बीच के स्थान को पानी से भर दिया गया, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी भी। ये दो उत्तल लेंस है इस प्रकार से यूं, यूं और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से आपने पानी भर दिया, तो पहले लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर कितनी हो जाएगी भी, फोकस दूरी कितनी F, दूसरे की फोकस दूरी F2
तीसरे की फोकस थ्री कितनी हो जाएगी आपके पास, एफ थ्री हो जाएगी। एफ थ्री बराबर कितनी हो जाएगी, एफ हो जाएगी। अब बात सुनना भी, ये वाला जो लेंस है इसकी फोकस दूरी की अपन बात कर रहे हैं। कांच का फुर्तान कितना आपके पास है, 3/2 है। तो यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं f बराबर कितना देगा आपके पास, r बटे 2 इंटू म्यू माइनस 1 होता है। और यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो म्यू कितना देगा, 1.5 माइनस ये कितना देगा, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से आपके पास जो r है वो r किसके बराबर होता है, अभी f के बराबर हो जाएगा। अब ये जो बीच वाला लेंस है, इस बीच वाले लेंस की फोकस दूरी 1/f2 बराबर ये देगा आपके पास म्यू। म्यू कितना देगा आपके पास है, 4/3 माइनस का 1 1/r1, तो कितना देगा आपके पास है, माइनस का 1/r, तो माइनस का 1/f माइनस का 1/f हो जाएगा। तो यहां पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अभी 4/3 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/3 और माइनस का 1/f, माइनस का 1/f कितना देगा आपके पास है, माइनस का 2/f माइनस का। तो यहां से आपके पास है से f 2 बराबर कितना देगा, ये देगा आपके पास माइनस का 3f बाई, और टोटल फोकल लेंथ f बराबर कितनी होती है आपके पास में, अपन जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस क्या देगा आपके पास 1/f3। सबकी वैल्यू फुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास में। 33वां क्वेश्चन फिनिश हो गया, नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों 33 के बाद में अगला जस्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। देखो यह कह रहा है कि एक आउटर लेंस के कांच का फुर्तना कितना, 1.5, इसकी दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या कितनी, आर है। यदि इसे 1.75 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए तो ये व्यवहार करेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात है कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, भाई वक्रता त्रिज्या कितनी आर है इसकी। तो अपन जानते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, म्यू एल बटे म्यू एम। लेंस मेकर फॉर्मूला ये 1/r माइनस 1/r2, तो 1/f। लेंस का फुर्तनांक कितना देगा भी, 1.5। माध्यम का कितना देगा, 1.75 माइनस का 1। अब सुनो, अवतल लेंस है तो 1/r, 1/r कितना देगा आपके पास, 2/r। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/f बराबर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी छ बटे 7 माइनस 1 2/r। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अभी 6 माइनस 7, तो माइनस का 1/7, तो माइनस का 1/7, तो 2/7r। तो इसकी फोकस दूरी कितनी रहेगी, f बराबर माइनस का 7r/2, तो माइनस का कितना देगा, 3.5r। तो 3.5r और फोकस दूरी नेगेटिव आ रही, तो नेगेटिव का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस मतलब ये हो जाएगी, अब सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पारदर्शी गोला दिखाया गया, बिंब चिपका दिया, ऐसा सीन है। देखो ध्यान से, यहां से प्रकाश की किरणें चलती है और ये इसके समांतर हो जाती है। इस वाली सतह के लिए अगर अपन बात करते हैं, गोले का फुर्तनांक कितना देगा, म्यू देगा। बार का फुर्तनांक म्यू बराबर कितना देगा, 1 हो जाएगा। तो इस वाली सतह के लिए म्यू 1 बराबर कितना देगा बताओ, म्यू। म्यू 2 बराबर कितना देगा भाई, 1।
यू कितना देगा आपके पास बताओ, प्रकाश इधर जा रहा है तो यू कितना देगा आपके पास में, 25, 50 व्यास के बराबर दूरी 50, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर यानी माइनस का 0.5, और आर कितना देगा, आर आर हो जाएगा इसके लिए, इसकी वक्रता त्रिज्या किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इसका सेंटर इधर की तरफ है, ये भी माइनस का होगा, माइनस का कितना हो जाएगा अभी 25, ये हो गया अभी। तो अपन जानते हैं म्यू टू बटे वी, वी कहां पर हो जाएगा बताओ, अनंत पर, म्यू टू बटे वी माइनस म्यू वन बटे यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। सॉल्व कर देना बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे थे दंश से, जरा दृष्टि दोष वाले रोगी का निकट बिंदु कितना भी 30 और दूरस्थ बिंदु कितना भी 40 है। ये मतलब इस प्रकार से आदमी है बूढ़ा हो चुका है, तो नियर पॉइंट तो देगा आपके पास है 30 पर और फार पॉइंट हो जाएगा आपका 40 पर, यानी इससे पास की चीज़ और इससे आगे की चीज़ इसको दिखाई नहीं देती है। अब दूर की चीज़ों को आपको देखना है, दूर की चीज़ों को देखना है मतलब अनंत पर रखी हुई चीज़ है उसकी इमेज कहाँ पर बनानी है आपको, फार पॉइंट पर बनानी है। तो P बराबर कितना होता आपके पास, 1 बटे F बराबर 1 बटे V, माइनस क्या होता आपके पास 1 बटे U, तो P बराबर कितना देगा 1 बटे V। अब एक बात, इमेज कहाँ पर बनती है भी, फार पॉइंट पर बनती है, कहाँ पर बनती है फार पॉइंट पर, तो फार पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर, तो 40 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का 0.4, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास यू, यू कहाँ पर हो जाएगा अनंत पर, तो P बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 2.5 डायप्टर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो गया फिनिश। और फिर उसके बाद में स्टेज सेकंड है, इसके अंदर काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप खुद कर लेना, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, 99 क्वेश्चन है, आपको ही करने पड़ेंगे भाई, कोई डाउट आए तो ऑनलाइन आप भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद में स्टेज थर्ड पर जाते हैं अपन, तो एक बार इनको नोट कर दें आप। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन अपन स्टेज थर्ड के भी देखते हैं, बट इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्टेज थर्ड के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नीट में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर ये क्वेश्चन साफ से नहीं हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है ना। आप स्टेज 1 और स्टेज 2 केवल यही सॉल्व कर लें बस, ये जे लेवल की क्वेश्चन है। तो अब अपन स्टेज 3 के एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक अपन। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टेज थर्ड का, डी बराबर 2 सेंटीमीटर व्यास की एक वर्ताकार पुंज कांच की समतल पर आपतित है, आपतन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा म्यू बराबर 3/2, तो अपवर्तित पुंज का व्यास क्या हो जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो ये तो सीधा फॉर्मूला है, ये छोड़ो आप, फिर ये तो आपको बता रखा है सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 16, ये भी थोड़ा सा टफ ही है क्वेश्चन। तो दो मिरर है, इनके बीच का एंगल कितना देगा अभी 50 डिग्री,
ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपके पास है 50। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे 20, मतलब इसके लिए जो आपतन कोण है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 70 डिग्री। 70 डिग्री पर आपतित होता है। अब बात सुना भी, 70 डिग्री पर अगर आपतित होता है तो अपन बात कर सकते हैं कि 70 एल्फा तो कितना देगा 70, तो 70 प्लस बीटा बराबर 50 कर देंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 का मतलब इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगी प्रकाश की किरण, यहां पर आपतित होता है। और यहां पर कितने एंगल पर आपतित होता है, अभी ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 20 हो जाएगा, कितना देगा 20। फिर उसके बाद में परावर्तित होकर के इस प्रकार से इधर की तरफ जाता है, तो जब ये यहां पर आपतित होता है ना, तो अगर ये वाला आपतन कोण कितना होगा 20 होगा, तो यहां पर आपतन कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये तीसरा परावर्तन हो गया। तो जब पहला परावर्तन होता है तो यहां पर डेल बराबर कितना आता है बताओ, 180 माइनस 2i, तो 2 × कितना देगा 70, तो ये तो आपके पास है कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आपतित प्रकाश की किरण इधर की तरफ थी, जा रही थी इधर, मोड़ दी इसने इधर, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन बात करते हैं डेल टू, जब प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, आपतन कोण कितना हो जाएगा, 20 हो गया ना, तो 180 माइनस 2 × 20, 180 माइनस 40 बराबर कितना देगा आपके पास में 140 डिग्री। और किधर की तरफ हो जाएगा, आपतित किरण इधर की तरफ थी और इसने इधर की तरफ मोड़ दिया, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ये। फिर इसकी अपन बात करते हैं डेल थ्री बराबर 180 माइनस का 2i, यहाँ पे i कितना हो जाएगा 30, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये आपके पास 120 डिग्री। आपतित किरण इस प्रकार से इधर की तरफ है और परावर्तित इधर की तरफ जा रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मोड़ दिया है, तो टोटल अगर आपको डेल निकालना है तो कितना देगा, अभी क्लॉकवाइज कितना देगा 140 120, इसमें से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है 220 डिग्री क्लॉकवाइज, 220 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आपके पास में कुल विचलन आ जाएगा। अभी लेंथी क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा, 18वां क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि चित्र अनुसार 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बिंब रखा हुआ है, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, बिंब कहां पे रखा आपने 20 पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, अभी 1/f बराबर 1/v माइनस क्या देगा आपके पास 1/u, 1/ फोकल लेंथ कितना देगी 10, v आपको निकालना है, माइनस u कितना देगा आपके पास माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर कितना देगा 1/10 माइनस क्या देगा आपके पास 1/20 बराबर क्या देगा आपके पास 1/20, तो v बराबर क्या देगा आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज है वो कहां पर बन जाएगी, भी इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर पर ही बन जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास है, ये भी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हो ध्यान से, यहां पर आपने रख दिया एक उत्तल दर्पण रखा है, कितनी दूरी x पर रखा जाए ताकि अंतिम प्रतिबिंब बिंदु बिंब पर ही प्राप्त हो। तो अगर आपने इसको यहीं पर रख दिया, यहीं पर रख दिया, तो इस स्थिति में ध्यान से ये इसके ध्रुव प्राप्तित हो रही है, तो ये तो इस प्रकार से ये तो इधर की तरफ चली जाएगी और ये इस प्रकार से इधर की तरफ चली जाएगी, तो इमेज आपकी वापस यहीं पर बन जाएगी। तो इसका आंसर आ सकता है 20 आ सकता है, क्या आ सकता है 20, ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। अभी
तो बस स्टेज थर्ड के अंदर अपन इतने क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं उनकी खुद आप ट्राई करना भाई। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद में ऑनलाइन डाउट काउंटर पे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो करें इन चीज़ों को नोट, करें आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स के कुछ अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए हैं। अब अपन बात करते हैं वे ऑप्टिक्स की। तो आपके मॉड्यूल की जो स्टेज फर्स्ट है उस पर अपन आ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स स्टेज फर्स्ट। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्वेश्चन नंबर देख लो आप 33। यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई कितनी? 0.4 mm है। पानी में डुबो दिया, तो क्वेश्चन नंबर आपका 33। देखो अपन जानते हैं बीटा बराबर कितना होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास? लेमडा। तो बीटा डेस बटे बीटा बराबर कितना देगा आपके पास? लेमडा डेस बटे लेमडा। लेमडा डेस बराबर कितना होता है? लेमडा बटे म्यू इंटू लेमडा, ये आपके पास 1/μ आ जाएगा। तो बीटा डेस बराबर कितना देगा आपके पास? बीटा बटे म्यू। बीटा कितना देगा आपके पास में? 0.4 mm। म्यू कितना देगा आपके पास है? 4/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 mm। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसा भी मैंने आपको बता रखा है। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। देखो एक स्लिट के सामने बिंदु पर अनुपस्थित तरंग दैर्ध्य दे। वाई डी ए सी का सेटअप बनाते हैं अपन सबसे पहले। ये वाई डी ए सी का सेटअप हो गया, ये तो आपके पास S1, ये S2, एक स्लिट के सामने ये आपके पास में पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D है। तो ये आपके पास जो Y है, Y बराबर कितना देगा? D/2। अनुपस्थित तरंग दैर्ध्य का मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर इससे चलने वाली और इससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य विनाशी अध्यारोपण होने वाला है। अपन जानते हैं वाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? डेल्टा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो यहां से आपके पास वाई बराबर कितना हो जाएगा? D/2। डेल्टा कितना हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए? 2n-1 λ/2। कैपिटल डी का कैपिटल डी, स्मॉल डी का स्मॉल डी हो गया। 2 से अपन क्या करेंगे? 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा अभी? D² / 2n-1 कैपिटल डी। अब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इसके अंदर अपन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? तो λ² / d। फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा अभी? λ² / 3d, λ² / 5d। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अभी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। एक स्लिट के फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम द्वितीयक दीप्त फ्रिंज। तो फ्राउनहोफर के अंदर डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास? A sin θ। और दीप्त फ्रिंज के लिए कितना होता है अभी? ये होता है आपके पास 2n+1 λ/2। तो ये हो जाएगा आपके पास A sin θ। और प्रथम की बात कर रहे हैं ना, एन बराबर 1 फुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 3λ/2। ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य दे। लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास है? 5000 एंगस्ट्रॉम।
दूरस्थ तारे से आ रही नापी की तरंग देती कितनी हो जाएगी, लेमडा डेज बराबर 5200 एंगस्ट्रॉम। यहां पर लेमडा डेज है वो लेमडा से बड़ा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो तारा है वो तारा कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, लाल विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो तारे का वेग कितना हो जाएगा, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास में जो डेल्टा लेमडा है बटे लेमडा बराबर क्या देगा आपके पास में, वी बटे सी। तो डेल्टा लेमडा कितना देगा आपके पास में 200, लेमडा कितना देगा आपके पास में 5000, वी बटे सी कितना देगा आपके पास है 3×10^8। सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है, करो नोट इनको आप। चलो बच्चों स्टेज सेकंड पर आओ, स्टेज सेकंड के भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करे, समान मोटाई के दो प्रकाशिक माध्यमों के अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 है, समान रंग की x तथा y तरंगे माध्यमों से गुजरती है, तो एक तरंग की लंबाई कितनी देगी भी लेमडा, पहली तरंग की लंबाई कितनी देगी लेमडा 1, तो x तरंगे गुजरती है तो x तरंगों की लंबाई कितनी देगी इंटू x बराबर, दूसरी तरंग की लंबाई कितनी देगी लेमडा 2, इसकी वाई तरंगे गुजरती है तो वाई हो गया। अब बात सुना भी, लेमडा 1 बराबर कितना देगा आपके पास है लेमडा बटे μ1 इंटू एक्स बराबर लेमडा बटे μ2 इंटू वाई हो गया। लेमडा से अपन लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने को निकाल दें μ2/μ1, तो μ2/μ1 बराबर कितना देगा आपके पास वाई बटे एक्स हो जाएगा। अभी बारवां क्वेश्चन अपन देखते हैं, चलो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सापेक्ष एक आकाशगंगा की चाल क्या होगी ताकि 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को सोडियम रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य 589.6। तो लेमडा बराबर तो कितना देगा आपके पास है 589 नैनोमीटर और डेल्टा लेमडा कितना देगा भी 0.6 नैनोमीटर हो जाएगा। अपन जानते हैं कि डेल्टा लेमडा बटे लेमडा बराबर क्या देगा आपके पास है वी बटे सी, 0.6 बटे कितना देगा आपके पास है 589, वी बटे सी कितना देगा 3×10^8। बारहवां क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं देवदान से, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जब 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो पर्दे के निश्चित क्षेत्र में 12 फ्रिंजें बनती है, एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बीटा, तो 12 की कितनी हो जाएगी बताओ 12 बीटा। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल करके 400 नैनोमीटर कर दी जाए तो कितनी फ्रिंजें बनेगी बराबर कितना देगी आपके पास n β2, 12 β1 बराबर कितना देगा आपके पास λ1 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी n λ2 कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ये आपके पास है 12, λ1 बराबर कितना देगा 600, एन लेमडा 2 कितना देगा आपके पास है 400, तो फिर उसके बाद में कितना देगा भी 18। सोल्व करने पर एन बराबर कितना देगा 18 आ जाएगा। अभी बारहवां क्वेश्चन था ये, इसके आगे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अपन बात करते हैं कोणीय चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। इसको अपन क्या बोलते हैं एल्फा, एल्फा बराबर कितना देगा आपके पास है बीटा बटे कैपिटल डी बराबर कितना देगा आपके पास है लेमडा बटे स्मॉल डी,
एल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है भी, या इसको अपन ओमेगा बोल देते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास लेमडा, तो ओमेगा डेज बराबर कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा बटे म्यू हो जाएगा। तो ओमेगा कितना था अभी पहले 0.2 डिग्री, और म्यू कितना हो जाएगा आपके पास है 4/3 हो जाएगा। कर देना इसको सॉल्व कर देना। 26वां क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहे देवदान से। वायु में तरंग दे लेमडा का प्रकाश अपवर्तनांक म्यू के एक माध्यम में प्रवेश करता है, यदि प्रकाश के पथ पर स्थित इस माध्यम के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी एक्स है तो इन बिंदुओं के मध्य कलांतर क्या हो जाएगा। कलांतर, बात सुनो भी, देखो सबसे पहली बात है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी एक्स, इसका म्यू गुणा कर दो आप। ज्यामितीय पथ की लंबाई तो कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी, बट प्रकाशिक पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी म्यू एक्स हो जाएगी। ये प्रकाशिक पथ हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी पथांतर हो जाएगा, और कलांतर बराबर कितना होता है आपके पास 2π/λ × पथांतर। तो 2π μx/λ, ठीक है ना। 26वां क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी अपन सॉल्व करते हैं, एक बार करें इनको, नोट करें आप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 स्टेज सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन देखो क्या करें। ये करें कि चित्र अनुसार यंग के प्रयोग में स्मॉल डी बराबर 0.2 दे रखा है, कैपिटल डी बराबर कितना 1.5 मीटर दे रखा है, लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, तो बिंदु पी पर S1 तथा S2 से प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर कितना हो जाएगा। तो बात सुनना भी, यहां पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास डेल्टा बटे स्मॉल डी होता है। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास डी साइन थीटा। तो डी कितना दे रखा है आपको, डी 0.2 mm, साइन थीटा, थीटा कितना देगा भी 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना देगा आपके पास 1/2 देगा। तो कितना देगा आपके पास 0.1 × 10⁻³। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, 10⁻⁴ ये आपके पास -4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये तो आपके पास डेल्टा आ गया, आपको क्या पूछा जा रहा है अभी कलांतर, ये तो पतांतर है, तो कलांतर बराबर कितना होता आपके पास में, कलांतर बराबर होता आपके पास 2π/λ × पतांतर। 2π/λ, लेमडा कितना देगा 6000 एंगस्ट्रॉम, 6×10⁻⁷, ये आपके पास है 10⁻⁴ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, देखो 10⁻³, ये बन जाएगा आपके पास में 10⁻³ आ गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2π × 10³ मतलब 1000 बटे कितना देगा आपके पास है 6, तो ये आपके पास है कितना देगा π/3। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, फाई बराबर कितना देगा आपके पास 1000π/3 आ जाएगा। समझ गए बात को आप, अब बात सुना भी, 1000π/3 इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ध्यान से देखना, तो 332π, ठीक है ना, प्लस क्या देगा आपके पास में भाई, ये तो कितना देगा 333.3
तैतीस पाई हो गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं 332 पाई प्लस 1.33, 1.33 कितना हो जाएगा आपके पास है 4/3 पाई। अब 332 पाई इसको तो अपन छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो 2 पाई का पूर्ण गुणज है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4π/3 या 1.33 पाई आ जाएगा भाई, समझ गए। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। इसके बाद है चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या कह रहा है 45 क्वेश्चन, देखो ध्यान से। यह कह रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र एक स्लिट विवर्तन प्रारूप में बहुवर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 पर प्राप्त किया गया प्रथम निम्निष्ट, लैम्डा 2 पर प्राप्त किए गए तृतीय उच्चिष्ट के संपाती है। तो लैम्डा 1 का तो प्रथम निम्निष्ट कहां पर बनता है भाई, डेल्टा बराबर लैम्डा पे बनता है। तो अपन बात करते हैं डेल्टा 1 बराबर क्या देगा, डेल्टा 2 देगा। तो डेल्टा 1 बराबर कितना देगा आपके पास है लैम्डा 1, और लैम्डा 2 के लिए आपको प्राप्त हो रहा है प्रथम निम्निष्ट, सॉरी लैम्डा 1 पर प्राप्त किया गया प्रथम निम्निष्ट और लैम्डा 2 पर प्राप्त किया गया तृतीय उच्चिष्ट। तीसरा उच्चिष्ट कहां पे प्राप्त होता है, पहला उच्चिष्ट होता है 3λ/2, दूसरा 5λ/2 और तीसरा होता है 7λ/2। तो 7λ/2, तो ये बन जाएगा तृतीय उच्चिष्ट के संपाती। तो क्या हुआ, लैम्डा 1 पर प्राप्त किया गया प्रथम निम्निष्ट, पहला निम्निष्ट तो डेल्टा बराबर लैम्डा पे प्राप्त होता है लैम्डा 1, लैम्डा 2 पे तृतीय उच्चिष्ट 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, ये अपन ने जो किया वही सही है भाई। देख लेना कोई सा ऑप्शन मैच करा तो ठीक है, नहीं चेंज कर देना आंसर। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से सारे क्वेश्चन अपन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 अपन देख लेते हैं इस स्टेज का। कांच की पट्टिका पर प्रकाश कोण 60 डिग्री की आपतन कोण प्राप्तित होता है, ठीक है ना, परावर्तित प्रकाश ध्रुवित है। तो इसका मतलब टेन आई पी बराबर कितना देगा म्यू, बराबर कितना देगा आपके पास है 1060, तो म्यू बराबर कितना देगा √3 आ गया। तो अपवर्तन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो 1 × कितना देगा आपके पास है साइन 45 बराबर √3 × कितना देगा आपके पास है साइन आर। साइन 45 कितना होता है आपके पास 1/√2 बराबर √3 × कितना देगा आपके पास है साइन आर। साइन आर बराबर कितना देगा आपके पास 1/√6, तो आर बराबर कितना देगा आपके पास में साइन इनवर्स 1/√6 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो चलो करो नोट करो, इसके बाद स्टेज थर्ड पर आते हैं अपन। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की। तो स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। यह कह रहा है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में डी चौड़ाई की एकल स्लिट पर 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, 30 डिग्री पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो 30 डिग्री पर प्राप्त होता है, अपन जानते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास ए साइन थीटा, तो ए को डी बोला जा रहा है यहां पे। अब बात सुना भी, डेल्टा बराबर कितना देगा ये बोला जा रहा है 30 डिग्री पर प्रथम निम्निष्ट, प्रथम निम्निष्ट के लिए लैम्डा ही होता है, बराबर क्या देगा आपके पास है डी साइन 30 डिग्री। तो लैम्डा बराबर कितना देगा भाई डी 2। फिर आपको बोला जा रहा है कि पहला उच्चिष्ट कहां पे प्राप्त होगा, पहला उच्चिष्ट, तो पहले उच्चिष्ट के लिए 3λ/2 बराबर क्या देगा आपके पास है डी साइन थीटा।
तो यहां से आपके पास में 3 लेमडा बाई 2 बराबर डी साइन थीटा, डी कितना देगा आपके पास में 2 लेमडा साइन थीटा, लेमडा से लेमडा को काट दो 3/4 आ जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना देगा 3/4, तो थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दो ध्रुवकों को आई नोट तीव्रता के अद्वित प्रकाश के मार्ग में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीयक ध्रुवक से कोई प्रकाश नहीं गुजरता है। तीसरे ध्रुवक को इन दोनों के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष प्रथम ध्रुवक के साथ में थीटा कोण बनाती है। बात सुनो भी, पहला पोलेरोड हो गया, दूसरा पोलेरोड हो गया, तीसरा पोलेरोड हो गया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इसकी प्रकाशिक अक्ष ऊर्ध्वाधर, इसकी क्षैतिज, ये और ये दोनों क्रोशित अवस्था में आ गए। इसकी प्रकाशिक अक्ष इसके साथ में कितना कोण बना रही है थीटा। यहां पर आपने जो प्रकाश आपतित करवाया है वो हो जाएगा आपके पास आई नॉट। सबसे पहले तो इससे गुजरते ही ये जो प्रकाश है वो कितना देगा आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कि अद्रुवित तार इसने ध्रुवित कर दिया। फिर इसके साथ में इसका एंगल कितना देगा थीटा, तो यहां पर कितनी तीव्रता आएगी बताओ, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगी आपतित कितनी आई नॉट बाई 2, इसका कोस स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान से देखना, देखो सुनो भी, इसके और इसके बीच में कितना कोण है बताओ 90 माइनस थीटा, इसके और इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आपको कितनी इंटेंसिटी प्राप्त हो जाएगी बताओ, आई बराबर आई नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो थी, और ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आई बराबर कितना देगा आपके पास आई नॉट बाई 2, तो आई बराबर कितना देगा आपके पास आई नॉट बाई 2, इसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा और 90 माइनस थीटा, इसको अपन बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से आई नॉट बाई 2 यह हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर है ना, ऊपर भी 2 से नीचे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा आई नॉट 2 साइन थीटा कॉस थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं अभी साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 4 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका फिट बेटर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अब स्टेज 3 के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट अपन नहीं कर पाएंगे टाइम के शॉर्टेज की वजह से। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, 12 लेक्चर का अपना ये टोटल प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट ऑप्टिक्स पढ़ाई है। सबसे पहले मैंने आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाई, रे ऑप्टिक्स के अंदर परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या क्या संबंध होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, ये बातें अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तन, तो अपवर्तन के अंदर समतल सतह से अपवर्तन अपन ने पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन ने पढ़ा, प्रिज्म अपन ने पढ़ा, लेंस अपन ने पढ़ा, कई प्रकार के फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, आँख और दृष्टि दोष, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ करके रे ऑप्टिक्स को फिनिश किया था। फिर वेव ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश की तीन प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करते हैं, एक तो व्यतिकरण, एक विवर्तन और एक ध्रुवण। तो व्यतिकरण अपन ने पढ़ा, उसके अंदर YDAC अपन ने पढ़ा था, क्वेश्चन वहीं से आता है। विवर्तन अपन ने पढ़ा, उसके अंदर केवल सिंगल स्लिट फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रेक्शन,
फ्रॉनहोफर का जो विवर्तन का क्वेश्चन वहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है, दो चीज हो गई। तीसरा ध्रुवण, ध्रुवण के अंदर ये पोलेरोइड है, मेलस का नियम है, बूस्टर का नियम है, क्वेश्चन यहीं से आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है अभी। और एक ध्यान से देखना, देखो डॉपलर इफेक्ट अपन ने पढ़ा, एक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनकी विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये अपन ने पढ़े, इनके फॉर्मूले मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। तो इस प्रकार से अपने 12 लेक्चर कंप्लीट होते हैं, अपनी ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है, और पिछले 1.5 लेक्चर में जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता था उतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। फिर भी आपकी डाउट्स है वो हो सकती है, तो उनको आप अपने स्तर पे ऑनलाइन तरीके से, किसी भी तरीके से, या अपने किसी फ्रेंड्स हैं, किसी टीचर से मिल करके उन डाउट्स को भी आप सॉल्व करें। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी, अच्छे रहिए एकदम, बिल्कुल घर पे रहो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, थैंक यू।